हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं अपने घर में, अपने गांव में। देखो कैसा सीन है हमारे गांव का। और आज मेरे को जाना है अपनी मम्मा के स्कूल। बहुत दूर है यहां से, पैदल चलना है। कितनी दूर चलना है देखोगे आज आप लोग। ग्रेट ही तो यहीं रहेगा, हम इसको नहीं लेके जाएंगे। और देखो फूल के पेड़, यहाँ इतनी सारी चिड़ियाँ हैं ना, क्या बताऊँ। यहाँ पे नीचे इतना फूल गिरा है, अब इसको झाड़ू लगाना है। लेकिन पहले चलता हूँ मैं खाना खाने के लिए, क्योंकि ऊपर चलना है तो एनर्जी चाहिए ना। नीचे जाता हूँ, चाची ने नाश्ता बनाया होगा, नाश्ता खाते हैं ठीक है सबसे पहले। अरे वाह, सवेरे सवेरे दही रोटी अलग को रोटी वोटी खाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे बाहर ठीक है। चलने के लिए हम लोग यहाँ से तैयार हो गए हैं। मैं हूँ और देखो अक्की जा रहा है मेरे साथ, चाची लोग पहले ही चले गए हैं। तो यहाँ पर से हम लोग देखते हैं सफ़र हमारा कितनी दूर है। पैदल पैदल जाना है पूरा ऊपर पहाड़ के रास्ते में। ये मछली पालन है देखो, यहाँ पर पूरा का पूरा सीमेंट वेमेंट लगा के बढ़िया बना रखा है। हालांकि अंदर पेड़ उग गए हैं और अभी मतलब मच्छियाँ तो नहीं है इसमें, लेकिन देखो यहाँ पे मच्छियाँ पाली जा सकती हैं। उस तरफ वाले में कुछ टाइम पहले तक पानी था, दो हैं टोटल, एक इस तरफ है एक उस तरफ है, बीच में दीवार है। इसमें अगर मच्छियाँ पालने चाहें तो पाल भी सकते हैं, लेकिन देख रहे हो यहाँ पे पानी आने नहीं है ना अभी, तो इस वजह से शायद नहीं हो रखा होगा। और वैसे अभी नहीं, बहुत टाइम से नहीं है, इसलिए उसमें अंदर पेड़ भी उग गए हैं। ये रास्ता देखो कितनी तगड़ी पत्तियाँ गिरी हुई हैं। और मेरे को मिल गई, देखो चाची यहाँ पे हैं, विद्या यहाँ पे है, सब लोग चल रहे हैं। बिना रास्ते का रास्ता बना दिया इसने। Enjoy करके आओ। स्कूल दिखने लग गया है दोस्तों। ये देखो ये छोटी सी बाउंड्री है और बहुत दूर से चलते हुए आए हम लोग पैदल पैदल। हम समझे और समझाए पवित्रता की परिभाषा। अरे वाह, ये क्या है यार? अगर आप में से किसी को पता हो कमेंट करके मेरे को बताना ये क्या है। पजल टाइप का है, बच्चे खेल रहे हैं। ये है अभिमन्यु का चक्रव्यूह जो तोड़ा था महाभारत के टाइम में अभिमन्यु ने। महाभारत दुनिया ने आजकल बजाने से भी है। देखें मेरी आवाज बड़ी है कि तुम्हारी भारत माता की। माँ सरस्वती को नमन करते हुए, ग्रामवासी देवताओं सभी के इष्ट देवताओं को नमन करते हुए, आज इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं प्लीज आप अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा, प्लीज आपको भी बैच अलंकृत किया जाएगा। यदि रवि भट्टी जी का तुम्हारी आवाज पहुंच गई हो प्लीज। हमारे गांव के सरपंच श्री अमर सिंह सामंत जी भी यहां पर दिख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी यहां पर आएं। देखिए आपको भी वैसे अलंकृत किया जाएगा प्लीज। स्वच्छता से मिलकर तो पूरा गांव ग्रामीण भारत है, पूरा देश बना, तो हमारे देश की पहचान है स्वच्छता। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को यहाँ पर रखा। इसमें आज माननीय ब्लॉक प्रमुख जी कल्याणम आरोग्यम संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय आत्मजोति नमस्ते।
आत्मज्योति प्रणी पाया ब्रह्म ज्योति मस्ते ब्रह्म ज्योति प्रणी पाया त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव पौड़ी पढ़ने वाले नरेश के पापा जी और बाकी सब आप समस्त ग्रामीणों को मेरा नमस्कार। और आप लोगों के बीच आके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बताया गया था कि आज स्वच्छता के लिए स्वच्छता जागरूकता के लिए यहाँ पर प्रोग्राम चलाया जाएगा। बच्चे अगर आप स्कूल आ रहे हो और जा रहे हो, प्रत्येक परिवार का एक नियम है कि वो सोचता है कि मेरा बच्चा घर से निकले और सकुशल वापस आए। रास्ते में किसी प्रकार का एक तो बैक टच होता है, गुड टच होता है, कौन कौन बताएगा बच्चों? अभी बताया टीचर आते हैं, छोटे बच्चों को बताइए बैड टच गुड टच। बैड टच क्या है? आदमी के छूने से पता लग जाएगा कुछ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बच्चा, उसके लिए पॉक्सो एक्ट स्पेशल बनाया गया है। ये 2007 में यही बना था लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट हुआ, इसमें बहुत टफ हुआ है 2012 में। इसमें फांसी की सजा तक है आज की डेट में। चाहे टीचर हो, चाहे घर में आने वाले मेहमान हो, चाहे रास्ते में कोई लड़का हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, यदि बच्चे को गलत तरीके से छुएगा तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं उसको खुद महसूस हो जाएगा कि मेरे साथ ये गलत करना चाह रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल अपनी माँ को बताइए, अपने टीचर को बताइए और जब बिल्कुल छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर वो मान लें कि उससे डर लग रहा है, वो कहेगा नहीं मार देंगे, बिल्कुल कोई नहीं मारने वाला, और ये चीज़ अगर छुपाओगे तो नुकसान होगा। उसके खिलाफ सीधा 3/4 एक धारा है, उसमें केवल अकेला पॉक्सो एक्ट ऐसा है जिसमें 7 साल वाला अमेंडमेंट लागू नहीं है, जिसे कहते हैं 41 के CRPC की धारा। नियम यह है कि 7 साल से नीचे की जो भी सजाएं हैं वाले मुकदमे हैं उसमें हम थाने बुलाकर 141 का नोटिस देते हैं, वहां से उसे छोड़ देते हैं, उसके खिलाफ चार्ज की जाती है। लेकिन पॉक्सो स्पेशल एक्ट ऐसा है जिसमें अगर 3 साल की भी सजा होगी तो उसमें 41 का नोटिस मान्य नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बच्चों को पूछा करिए कभी कभी कि कोई आपसे टेढ़ी बात तो नहीं करता, गलत बात तो नहीं करता, कटाक्ष भी करते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, मैंने देखा है। क्योंकि अभी जब मेले में मैंने देखा था तो छोटे छोटे बच्चों को दारू पिला रहे थे, वो भी पॉक्सो में ही आ रहा है। भाई मैं एक को बंद नहीं करने वाला हूँ, उसने क्या काम करा है, किनारे में होटल बोल रखा है, छोटे छोटे बच्चों को दारू पिलाने से मार दिया। और मेरे क्षेत्र में नहीं पड़ता लेकिन मैं लगा बड़ा उसके पीछे, जिस दिन मेरे क्षेत्र में आ गया तो वे भी जाएंगे। और अच्छा मुझे अब ये लग रहा है कि बच्चे मुझे सूचना दे रहे हैं। मैंने इंटर कॉलेज में जाकर अपना नंबर दिया था तो बच्चे मुझे सूचना दे रहे हैं, बड़ी अच्छी सूचना दे रहे हैं। उन्होंने साफ खबर है हमारी मम्मी सूचना नहीं देंगे, हमारे पापा नहीं देंगे। एक लड़की ने तो अपने पापा को ही पकड़वा दिया, बोले दारू बेचते हैं फिर पीते हैं फिर मम्मी को मारते हैं, बोले मेरा नाम बता, मैं क्यों लूंगा भाई, हमें तो ऐसे लोगों की जरूरत है। भाई समाज सुधारने के लिए आए तो समाज को सुधारने ही हमारा काम है, लेकिन सर ज्यादा टाइम लीजिए मैं सॉरी। अपने अधिकार जानिए, जब हमें पता है कि हमें हमारे घर में पानी आना आपका राइट है, पानी लेना भी आपका राइट है, राशन लेना भी आपका राइट है, तो कुछ दायित्व है। दायित्व जैसे अभी सुरक्षा अभियान चल रहा है ना, ये दायित्व ही बनता है। ये मान लीजिए आपका स्कूल है, स्कूल में अभी पीछे तोड़फोड़ करी थी यहाँ पर भरम में, मैंने उनके बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करी, उनके माता पिता के खिलाफ कार्रवाई करी। हालांकि गाँव में तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने घर के आसपास अपना जो सरकारी भवन है वो सरकारी भवन का खर्चा आपकी जेब से जाता है। मैं किया जा रहा है इस मौके पर। धामी जी अभी हमारे भाषण दे रहे हैं और यहाँ पे खाना शुरू हो चुका है, देखो बच्चे खा रहे हैं खाना, सब छोटे छोटे बच्चे, खाना वाना बच्चों ने खा लिया है। और देखो दोस्तों अभी यहाँ पे रैली के लिए तैयार हो रहे हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे कौन 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 सा बैनर पकड़ेगा उसके लिए हो रहा है इनका, ये है रैली। आइए
स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत माता को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके समय दूंगा 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को निर्धारित करूंगा। जय चलो जाने का समय हो गया है, सबका जा रहे हैं। सब चले गए हैं। उड़ रही है हवा में, बारिश आने वाली है शायद, और हम लोग भी जाते हैं। अब पता नहीं आपको कहीं आवाज़ तो नहीं आ रही है कैमरे में हवा की, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, आपको फील नहीं हो रहा होगा शायद। लेकिन देखो अभी यहाँ से चलते हैं, उधर साइड से बारिश आने लग गई है देखो, और कनार में तो बर्फ़ भी पड़ गई है उधर। चलो चलो अब चलते हैं हम लोग घर की तरफ को। आज का दिन संपन्न हुआ, बहुत अच्छा हुआ, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे यहाँ पर। स्वच्छ भारत जो ये रैली थी, बहुत सारे लोग आए थे, काफ़ी लोग गांव वालों को जागरूकता मिली, काफ़ी लोग को पता नहीं था। यहाँ हमारे जो ब्लॉक के प्रमुख हैं और जो हमारे ग्रामीण हैं यहाँ के, देखो एक तो दूर दराज का इलाका है ना, यहाँ पे लोग जो हैं रोड में जाना बहुत दूर, मतलब बहुत दूर होता है देखो, और लोग जागरूक नहीं है। तो उनसे उन्होंने बात आत करी और लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। सबसे पहली समस्या रोड के लेकर थी, और फिर पानी को लेकर हो गई समस्याएं, ऐसी बहुत सी समस्याएं थी। तो उन्होंने उसमें बोला कि उस पर विचार करेंगे। आज का प्रोग्राम जो हमारा था राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओखड़ुआ में, तो ये स्वच्छता पर रखा गया था। हमारे ग्राम प्रधान थी, वार्ड मेंबर, आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सभी लोग वहाँ पर आए, और गाँव के सभी लोग, युवा लोग आए, बच्चे युवा सभी आए। तो पुलिसकर्मी सर ने बहुत ही अच्छा हमें स्पीच दिया, उन्होंने सफाई की और कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया। तो वो कानून के बारे में हमारे मिस्टर अशोक कुमार जी ने बहुत अच्छे से उनको जानकारी दी, और जात पात भेदभाव का बताया गया कि हमें जात पात में भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। वहाँ ऊपर से चलते हुए आए हैं हम लोग, देख रहे हो कितना ऊपर है, और अभी भी आधे से ज़्यादा रास्ता बचा हुआ है। अब सोचो ये मम्मा मेरी रोज़ चलते हुए आती है यहाँ से यहाँ तक, रोज का है, सुबह सुबह काफ़ी दूर है। वो सामने है देखो दोस्तों संगलतड़, होली के लिए हम लोग गए थे यहाँ पर, देखो इतना ऊपर पहुँच गए हम लोग, देख रहे हो नीचे गाँव दिखाई दे रहा है हमारा, वो वहाँ पर नीचे हमारा घर है उधर पर, और अभी वो ऊपर से आए, वो ऊपर से फाइनली दोस्तों पहुँच गए हैं घर हम लोग। मौसम हो रहा है बारिश जैसा, क्या पता बारिश हो जाए, कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगा। जो अभी के लिए आप करते हैं हम लोग वीडियो समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे आप लोगों से कल सुबह 8 बजे। अब से मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा सुबह 8 बजे। बीच में थोड़ा सा मैं ढीला पड़ गया था लेकिन अब नहीं होगा ये दोबारा से, ठीक है? तो मिलेंगे आप लोगों से। रेडी, बाय कर दें, हाई फाई, गुड, ओके, बाय बाय।